अब आप लोग में से मैक्सिमम लोगों के पास वेपन कोई टाइटल तो होंगे, बट एक टाइटल लेने के लिए आप लोग को कितने गेम खेलने पड़ते हैं, कितने दिन में आप लोग एक टाइटल अचीव कर पाते हो भाई, आपका तो पता नहीं है। फिर मैंने सोचा क्या मैं 77 टाइटल वाला चैलेंज कंप्लीट कर सकता हूँ, मतलब कि हर दिन एक नया वेपन कोई टाइटल लेना पॉसिबल है। क्या मैं हर दिन एक टाइटल लेके 7 दिन तक रेगुलर अलग अलग वेपन के टाइटल लेके 77 टाइटल चैलेंज कंप्लीट कर पाऊंगा? तो इसी चीज को सोचते हुए फिर मैंने ये चैलेंज को ले लिया, और अब ये चैलेंज मैं ले तो लिया, बट देखते कितना ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है और क्या मैं इस चैलेंज को कंप्लीट करने वाला। तो इसलिए मैंने सबसे पहले एक न्यू आईडी बनाई, मतलब कि बनाई नहीं, मैंने फ्रेंड से ली, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा न्यू आईडी बना चुका हूं और इसकी लेवल 6 है, रिकी कुछ नाम है, तो इसकी सबसे पहले मेरे को लेवल अप करना पड़ेगा। और मेरे मेन आईडी में भी इस चैलेंज को कंप्लीट कर सकता था, लेकिन मेन आईडी में मैक्सिमम गन की ग्लोरी में बढ़ा रखा हूं, तो इसलिए मेरे को 7 ऐसी वेपन चाहिए जिसकी ग्लोरी बिल्कुल भी ना हो। तो इसलिए फिर मैंने न्यू आईडी चूज करी और ये चैलेंज काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, मतलब कि आप लोग एक टाइटल लेने के लिए कितना गेम खेलते हो वो तो नहीं पता मेरे को, बट क्या मैं 7 दिन तक 7 नए टाइटल, भाई बहुत ज्यादा मुश्किल चैलेंज होने वाला है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। फर्स्ट डे में मेरी रैंक समथिंग ब्रॉन्ज से गोल्ड प्लेटिनम आ जाएगी, फिर उसके बाद तो आपको पता लो अभी कैसी होने वाली। मेरे कहने का मतलब फर्स्ट डे तो थोड़ा ईजी होने वाला है, तो चलो यार अभी अपन लोग गेम में चलते और देखते क्या सीन होने वाला है, चैलेंज को मैं कंप्लीट कर पाता हूँ कि नहीं। अब हम आ जाते हैं 7 डे 7 टाइटल चैलेंज के एपिसोड फर्स्ट के पहले गेम की ओर यार भाई लोगों, चलो देखते हैं कि आप लोग इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाएंगे, मतलब कि हर दिन नया टाइटल ले पाएंगे कि नहीं। तो पहले में मैंने फार्मा चूज करी थी डे 1 में, भाई काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट चैलेंज होने वाला है, क्योंकि हर दिन नया टाइटल लेना मतलब कितना गेम खेलने पड़ेगा वो तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन हाँ फर्स्ट चैलेंज यानी कि फर्स्ट डे तो मेरे को थोड़ा ईजी रहेगा, क्योंकि अभी आपको पता है न्यू आईडी में नॉर्मल लॉबी आती, मैं अपनी मेन आईडी में कर सकता था बट उसमें हर गन की ग्लोरी थी, मतलब कि 100, 200, 300 हर गन में मैंने ग्लोरी बढ़ा रखी थी, कोई कोई गन में 1000, 2000, इसलिए मैंने न्यू आईडी चूज करी। तो चलो देखते हैं, फर्स्ट डे तो मेरे हिसाब से थोड़ा इजी रहेगा, लेकिन फर्स्ट डे में मेरी रैंक आई थिंक प्लेटिनम से डायमंड जा सकती है, तो फिर मेरे को डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि डायमंड की लॉबी तो आप लोग को पता है, और क्या मैं हर दिन नया टाइटल ले पाऊंगा वो तो अभी आप लोग को आगे पता चलने वाला है, अगर मेरी कंटिन्यू सीरीज चलेगी 7 दिन के लिए तो फिर 7 दिन बाद ही पता चलेगा, क्या मैं इस चैलेंज को बीच में ही छोड़ दूंगा वो तो अभी अपन लोग आगे देखने वाले। बट फिलहाल फर्स्ट गेम की बात तो 12 किलो हो गए, सिर्फ और सिर्फ एक बंदा बचा, और फिलहाल मेरे को अभी फार्मास की फुल ग्लोरी लेनी पड़ेगी, तो चलो देखते क्या सीन होता है। तो फाइनली मेरे को एक बंदा दिखा और यहाँ पर देखो इसको पटक से हेडशॉट मारते हैं, क्योंकि पूरी नॉर्मल बॉर्डर अभी बोल सकते हो, 13 किल के साथ पहला गेम भैया किया और भी सीधा ब्रॉन्ज से सिल्वर आ जाता हूं। अब आप सोच रहे हो भाई तुम्हारी रैंक ब्रॉन्ज थी फिर तुम सिल्वर कैसे आते हो, चलो इसकी कहानी भी बताता हूं। इसमें देखा आप लोग ने मेरे को कितनी ग्लोरी मिली, 50 की, तो मेरे को इस चीज सेम पता था कि अपन लोग जब भी ब्रॉन्ज वाली आईडी से खेलते तो ग्लोरी 50 मिलती है, तो फिर मैंने कोई भी एक ऐसी गेम चूज करी जिसमें मैं 7 डेज के लिए उस गन को चूज नहीं करूंगा, तो फिर उसमें मैंने 3 गेम खेले ताकि मेरी ग्लोरी बढ़ जाए, क्योंकि 50 मिलती फिर 60 मिलती फिर 70 मिलती, धीरे धीरे बढ़ती, तो मैंने 3 बुइया करे फिर मैं फार्मास में शिफ्ट हो गया। फिर मेरे को पता चला कि तुम कोई भी गन यूज करो तुमको 50-50 ही मिलेगी स्टार्टिंग से, तो फिर मैंने सोचा 3 गेम मैंने वेस्ट कर लिए। अब ये रहा सेकंड गेम, अब सेकंड गेम से लॉबी आप लोग देखो, ये बंदा देखना आप लोग कितना बढ़िया खेलता है, ग्लूवल देख रहे हो, ग्लूवल स्पीड देखो, मतलब कि भाई चैलेंज तो अभी से हार्ड होने वाला है। फिलहाल तो चलो देखते, फिलहाल मैं भुइया पे तो फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि भाई मेरे को वेपन गोरी बैच लेना है, अगर मैं भुइया पे भी फोकस करने लगा तो फिर तो भाई बहुत ज्यादा खेलना पड़ेगा, मतलब कि कब तक टाइम होगा। तो देखो मेरे को 50 मिली थी, सेकंड गेम भुइया गया 60 वेपन गोरी मिल गई, मतलब कि धीरे धीरे वेपन गोरी बढ़ती जाती। मैं सोच रहा था मैं कोई भी एक गन में बढ़ा लूंगा तो हर गन की बढ़ेगी, बट ऐसा नहीं है, हर गन की अलग अलग बढ़ती। और ए रावण करके अपना तीसरा गेम मेरे को टोटल कितनी वेपन गोरी मिल गई, 50-60 टोटल 110 ग्लोरी हो गई, और मेरे को 1000 प्लस ग्लोरी करना है, भाई काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला, मतलब एक डे हो तो चले लेकिन हर दिन। और लॉबी आप लोग देख रहे हो ना भाई, अभी से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एक दो बंदे मिल रहे हैं, अभी तो आगे तो भाई डे फर्स्ट है। तो चलो यार तीसरा गेम भुइया किया, 70 की वेपन गोरी मिल गई, 74 प्लस मिला है मेरे को रैंक, ठीक है। तो चलो यार भले करके सिल्वर है अपन लोग, गोल्ड भी जल्दी आ जाएंगे। तो इस गेम में आप लोग देख सकते हो फोर्थ गेम में 7 किलो गए, सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा अलाइव है, तो शायद मैं फोर्थ गेम भी भुइया कर लूंगा यार भले करके। तो चलो यहाँ पे सामने एक बंदा देखा और देख रहा हूँ बंदा, देख रहा हूँ रियल बंदा है भाई, इसने मेरी हेल्थ देख रहा हूँ 88 की बचनी थी, फार्मास में बहुत बार मर सकता हूँ। अब मैं आप लोग को एक चीज बताना भूल गया था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने ये चैलेंज 18 तारीख को स्टार्ट किया, मतलब कि मेरे को एक दिन में एक वेपन गोली बैच लेना है, तो मैं 18 तारीख को एक वेपन गोली बैच लूंगा, मैं टाइम बताना आप लोग को भूल गया था। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ना, फार्म हाउस चलानी मेरे को नहीं आती, तो भाई फर्स्ट गेम में इसलिए मैंने फार्म हाउस चूज करी थी, मतलब कि डे फर्स्ट में, क्योंकि अभी नॉर्मल लॉबी मिलेगी एक दो गेम में आप लोग देख सकते हो, तो इसलिए मैंने फार्म हाउस चूज कर ली थी। तो चलो सामने आप लोग देख सकते हो एक और बंदा है, और यहाँ पे देखो दोनों के दोनों बंदे अभी बचे हैं, और दोनों के दोनों बंदे मेरे को लग रहा है अच्छे, एक बंदा तो मेरे को दिखा जो कि ग्लोबल वगैरह
वगैरह डाल रहा है, मतलब कि ठीक ठाक बंदा है, बट मेरे पास लॉन्चर था तो मैंने लॉन्चर से इसको मार दिया। और मैं सेकंड गन उसी गन को चूज़ करूँगा, मतलब कि जैसे एक मैं फार्मा चला रहा हूँ तो शॉर्ट रेंज में मैं एक कोई ऐसी गन चूज़ करने वाला हूँ जिसको मैं 7 डेज़ के लिए मतलब उसको चूज़ नहीं करूँगा। तो इसलिए शॉर्ट गन में मैंने M10 और 1887 चूज़ करी जिसको मैं 7 डेज़ के अंदर लेने वाला नहीं हूँ। अब देखो सेकंड बंदा आप लोग देख सकते हो, जो भी मेरे को लग रहा है रियल बंदा है, बट चलो देखते अपन लोग उसको ग्रेनेड करते। और भाई नहीं नहीं बंदा मतलब रियल तो है लेकिन अच्छा प्लेयर नहीं। और इसी के साथ अपन लोगों ने इसको 163 का ग्रेनेड से डैमेज दिया और इस गेम को भी बुरिया कर लिया। और सिल्वर से अपन लोग सीधा गोल्ड पे आ जाते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और इस गेम में मेरे को ग्लोरी 90 मिली, मतलब कि धीरे धीरे 10 ग्लोरी बढ़ रही है। भाई मेरी 8 की बनी स्टिक से ऊपर बनी नहीं पाती, पिछले वाला एपिसोड में भी आप लोगों ने देखा था 8 की बनी, तो इस वाले एपिसोड में फिर से एक विनिंग स्टिक तोड़ देता हूँ, मतलब 8 की बनती और टूट जाती है। और 58 की टोटल उसमें अपन लोग को वेपन गोरी मिलती। अब इस गेम में आप लोग देख सकते हो 8 की विनिंग स्टिक तो टूट गई थी, उसके बाद एक गेम मिला जिसमें एक बंदा होल्ड करके रखा था, शायद यहीं सामने बंदा होगा उससे छुप रहा होगा या तो फिर इसका नेट गया होगा। और सही में भाई बंदा तो है, रुको रुको भाई मैं मरने वाला था, एक सेकंड, रियल बंदा है आप लोग देख सकते हो। भाई तगड़ा खेल रहा है भाई, कोबरा एमपी पुट्टी रखे और इसने मेरे को पहले ही आधा डैमेज कर दिया और फाइनली मैं मर गया क्योंकि इसने ऑलरेडी मेरे को डैमेज कर दिया था और मैं इसको थोड़ा सीरियस लेके नहीं खेला था। और मैं अगेन एक रुपया मिस कर देता हूँ, बट इसमें मेरे को 100 की ग्लोरी मिल जाती जो मेरे को चाहिए। तो चलो यार फाइनली अपन लोगों ने सक्सेसफुली काफ़ी ज़्यादा ग्लोरी बढ़ा ली, समथिंग 500 से 600 ग्लोरी तो हो गई होगी, बट अपन लोग को 1000 प्लस करना है भाई। और बंदे अभी से हार्ड देखने को मिलने लगे, तो चलो देखते अपन लोग 1000 कब तक कर पाते। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर भी अच्छे बंदे ग्लोबल वगैरह डाले और फाइट वगैरह भी हो रही। और ये वाला बंदा भी आप लोग देख सकते हो ग्लोबल से पैक कर लिया भाई, मतलब सारे के सारे बंदे अच्छे तो आ रहे। फिलहाल इसको मैंने मार दिया और 5 किल के साथ स्किन को बुइया कर लिया, 61 की प्लस हो गई और मैं गोल्ड पे फर्स्ट डे ही आ गया, मतलब कि सेकंड डे, एक सेकंड यार मेरा गेम लैक हो गया भाई, मेरा फोन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है भाई। और इस सीरीज में मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई जब भी गर्मी आती है ना फोन बहुत ज़्यादा हीट होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है ना फोन लैक करता है और नेटवर्क छोड़ता है। लैग करे एक पल के लिए चले लेकिन नेटवर्क छोड़ता है ना, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। फिर मैं गेम फटाफट रीस्टार्ट करता हूँ और अब आप लोग को मैं फटकर के ग्लोरी भी दिखा देता हूँ, मेरे को टोटल कितनी ग्लोरी मिली है और कितनी ग्लोरी टोटल हो गई, और अपन लोग को वेपन बैच लेने के लिए कितनी ग्लोरी और चाहिए। आई थिंक देखता हूँ, मेरे को भी याद नहीं है, मैंने काउंट भी नहीं करी। मैं अभी आप लोग को वेपन ग्लोरी बैच में ही जाके दिखा देता हूँ फार्मास की अपन लोग को टोटल कितनी ग्लोरी मिल चुकी। तो चलो फटाक से अपन लोग चलते हुए, रुको एक सेकंड, अभी मेरे को थोड़ा लोडिंग देने दो। चलो फाइनली लोडिंग ले ली और ग्लोरी पे आ गए और हल्का सा नेटवर्क फिर से वीक हो रहा है। तो चलो अपन लोग नर्सिंग 600 ग्लोरी हुई है भाई, अभी तो 400 और चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है भाई। अभी अपन लोग की 600 ग्लोरी हुई इतने टाइम बाद, चलो देखते अपन लोग 400 ग्लोरी, मतलब कि लगभग 5 गेम और चाहिए। आई थिंक इस चैलेंज को मैं कंप्लीट कर सकता हूं, अब इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि अभी तो मेरे को नॉर्मल लॉबी देखने को मिल रही है, लेकिन आगे चल के क्या हाल होने वाला है। एक सेकंड, यहाँ पे एक बंदा कहाँ पर, अच्छा ये रहा बंदा, इसको मैं देखा भाई साहब, बंदे को देखा ही हूँ और बंदा मारते, मतलब थोड़ा ही एम गया भाई फार्मास, इसलिए मैंने अच्छा चूज़ कर लिया। बंदे देख रहा हूँ हेडशॉट मार रहा है भाई, इसकी में मेरे को 100 की ग्लोरी मिल गई, मतलब मेरी 700 ग्लोरी हो गई। अब मेरे को 300 ग्लोरी और चाहिए, लेकिन भाई जैसा कि बोल रहा हूँ ना, डे फर्स्ट तो मेरे लिए ये जीता, लेकिन डे बाई डे, मतलब कि अपन लोग एक गेम में 100 ग्लोरी लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे हिसाब से, मैं 40-50 ही ले पाऊँगा सेकेंड डे से। भाई मेरे को बहुत टफ लॉबी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि मैं ऑलरेडी गोल्ड आ गया और प्लेटिनम आई थिंक मैं आ जाऊँगा, आई थिंक मेरे को पता नहीं है, अभी आगे पता चलने वाला है। 700 ग्लोरी तो मेरी हो गई और सामने बंदा, एक सेकंड इसको डैमेज दिया और बंदे ने बॉल डाल दिया, ये बंदा भी अच्छा है, मतलब कि चलो देखते लॉबी तो अब धीरे धीरे अच्छी मिलेगी यार, थोड़ा मेरा रैंक भी हाई हो गया। लेकिन एक सेकंड सामने पीछे से कोई और मारा, चलो इसको अपन लोग फटाफट, सबसे पहले इसको देखते इसको मारना पड़ेगा मेरे हिसाब से। पहले मैं मेडिकेट मारता हूँ, हिनेरा लेता हूँ और एक रिपेयर किट मारता हूँ। तो चलो फाइनली अपन लोग का पूरा हो गया, लेकिन अब इस वाले बंदे को मारना पड़ेगा, तो मैं इस साइड जाता हूँ। वो एक सेकंड में नीचे गिर गया, वेट बॉल डालना पड़ेगा, बंदा रस कर रहा है, जल्दी से मेरे को भागना पड़ेगा। ओ भाई M10 लेके रस कर दिया था बंदे ने, बट एट द एंड में बच गया। अब ये वाला बंदा तो मरने वाला है भाई, रुको एक सेकंड, फार्म हाउस का बॉडी और बंदा फिनिश। तो चलो इसी एक सेकंड एक और बंदा आया, ये भी नहीं बचेगा भाई, इसको भी मरना पड़ेगा भाई, दोनों मेरे को परेशान करके रखे थे। तो एक साथ मेरा 5 किल हो गया और इस गेम में भी मेरे को आई थिंक 100 की ग्लोरी मिल जाएगी और मेरी 800 ग्लोरी हो जाएगी, मतलब कि डे फर्स्ट तो थोड़ा ही डिफिकल्ट था। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आई थिंक अपन लोग इस चैलेंज फर्स्ट डे को कंप्लीट कर सकते मेरे हिसाब से। चलो टोटल 5 किल हो गए, अभी आप लोग देख सकते हो सामने भी बंदा है, एक सेकंड हेड दिखा दे यार, रुको, और फाइनली हेड आ गया और इसी के साथ अपन लोग का 6 किलो का, अब सिर्फ और सिर्फ 2 बंदे बचे। एक सेकंड एक और बंदा वहीं पर आ गया क्या, लेकिन एक बंदा वहां पर है और एक और बंदा कहां पर है, एक सेकंड इसका नेट गया है आई थिंक, ओ नेट नहीं गया भाई, बंदा एम ले रहा था किसी के ऊपर, भाई बंदे का नाम अच्छा था यार। चलो कोई ना, अभी सिर्फ एक बंदा बचा और इसको मैं देख लिया हूँ,
इसको भी हेड लेने का ट्राई करूंगा और फटक से भुया कर लूंगा, बट हेड नहीं आ रहा था तो मैं सीधा इसके घर के ऊपर आ गया। वेट, ये रहा बंदा, थोड़ा डैमेज है। रुको रुको वेट, अच्छी बंदे मेरे को अच्छे से खेलना पड़ेगा। लेकिन यार बंदी कहाँ पे गई, आई थिंक नीचे गई। वेट, और ओ भाई लोंडी है यहाँ पर है भाई, फोर की वेस्ट इसके पास। रुको रुको मेरे को M10 निकालनी पड़ेगी, दो शॉट और बंदी खत्म। इसी के साथ आप लोगों ने इसको 8 गेम के साथ इस गेम को भुया कर लिया। टोटल 80 की प्लस मिली और 100 की वेपन गोली फाइनली अपन लोग को मिल गई, और टोटल 800 ग्लोरी अपन लोग की कंप्लीट हो गई। मतलब कि अभी अपन लोग को 200 ग्लोरी और चाहिए, जब जाके अपन लोग को 1000 ग्लोरी हो गई, मतलब 1000 ग्लोरी कंप्लीट हो गई। और आई थिंक मैं लेवल अप भी हो गया, और मेरी ग्लोरी कितनी हो गई, हाँ 808 ग्लोरी हो गई। तो चलो अभी अपन लोग अगेन गेम स्टार्ट कर दिए, और मेरा इस गेम में बस 2 ही किल हुआ है, क्योंकि किल बहुत कम कर पाया हूँ। लॉबी हार्ड आ रही, तो जल्दी जल्दी बंदे फिनिश हो जा रहे हैं, मतलब कि अच्छे बंदे भी आ रहे हैं तो वो लॉबी खाली कर दे रहे हैं। तो चलो मैं एक हिट लिस्ट लेके आया हूँ, मतलब बंदे की लोकेशन लेके आया हूँ, तभी जाके मैं किल कर पाऊंगा। बट यार हिट लिस्ट तो यहीं का दिखा रहा है, बट बंदा कहाँ पर है? वेट एक सेकेंड यार, बंदा दिख नहीं रहा है मेरे को। एक सेकेंड, ओ सामने है, दिखा बंदा, दिखा हेड। ओ भाई क्या यार, बॉल डल गया फिर भी मरा यार। भाई साहब बंदे देख रहे हो, मी टू भाई, मतलब बंदे अच्छे मिल रहे धीरे धीरे भाई। मतलब कितना सरवाइव कर रहा था बंदा, देख रहो 52 की ग्लोरी मिली भाई। अभी भी मेरे को 150 चाहिए भाई साहब, फिर अगेन मैं एक गेम में मर जाता हूँ जिसमें मैं रिकॉर्डर भी ऑन नहीं कर पाता, और उसमें मात्र मेरे को 40 ग्लोरी ही मिलती। मतलब कि अब मेरे को सिर्फ 100 ग्लोरी चाहिए, और मैं अपना मतलब एक वेपन गोली बैच ले लूँगा, और मैं डे फर्स्ट भी कंप्लीट कर लूँगा इस चैलेंज का। डे फर्स्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ फिक्स 900 ग्लोरी हुई भाई मेरी। मतलब कि मेरे को फिक्स 100 चाहिए, और 1000 में मैं अपना जिले में आ जाऊंगा और एक वेपन गोली बैच ले लूँगा। तो चलो देखते क्या सीन होता है। फिलहाल इस गेम में मेरे टोटल 10 किल हो गए, और सामने एक हिट लिस्ट लिया हूँ बंदे का, मतलब कि बंदा भी सामने। UAV भी छोड़ा हूँ, हिट लिस्ट नहीं लिया यार, सॉरी यार मैं तो भूल ही गया था, मेरे को पिछले गेम की याद थी। बट एक सेकंड, बंदा ग्लोबल डाल के रखा और बंदे ने मेरे को देख लिया। एक सेकंड, ये वाला बंदा भी अच्छा है। वेट, मेरे पास फार्म हाउस में ओनली 30 AMO, लोगों को देखना पड़ेगा बंदा निकला। फार्मास भी बहुत तगड़ी चलती है, इसका डैमेज बढ़ते ही जाता है, जैसे आप लोग इसको ऑन ऑफ करके मतलब मारते जाओगे ना, 21 फिर 30 फिर 43, धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है भाई। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया गन है, बट मेरे पे चला के नहीं बनती मेन बात है। तो चलो टोटल 11 किल हो गए, सिर्फ और सिर्फ 2 बंदे अलाइव है। तो चलो देखते इस गेम में मेरे को 100 की ग्लोरी तो मिल जाएगी, यानी कि 100 ग्लोरी मेरी कन्फर्म है। तो मतलब मैंने डे 1 सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, भैया करूँ या ना करूँ लेकिन मेरे को 100 की ग्लोरी मिल जाएगी। तो चलो यार फाइनली मैंने डे फर्स्ट तो कंप्लीट किया, अब डे 2 में देखते हैं क्या सीन होता है। फिलहाल अभी अपन लोग इस गेम को भैया करते हैं, और एक प्रॉब्लम और सामने मेरे आने वाली कि मैं इसको इस चैलेंज को आप लोग को देखना, बट एक प्रॉब्लम और आने वाली कि मेरे को वेपन गोली बैच तुरंत मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है तुरंत वेपन गोली बैच नहीं मिलता, 99% लिखा आता है वहाँ पर, तुम ग्लोरी कर भी लोगे फिर भी नहीं मिलता। तो चलो देखते क्या सीन होता है। और ये वाला बंदा काफ़ी ज़्यादा तगड़ा खेल रहा है, तो मेरे को संभाल के खेलना पड़ेगा, वरना मैं एक गेम भी मिस कर दूंगा, क्योंकि लॉबी रेगुलर अच्छी आ रही। देख लो भाई ग्लोबल मैटर फिक्स ने कितनी ज़्यादा। तो चलो इसका ग्लोबल फोड़ता हूँ मैं, और चलो ग्लोबल फोड़ा, और एक सेकंड भाई बहुत ज़्यादा डैमेज किया इसको मैंने फार्म से। बट इसका ग्रेनेड देख रहे हो भाई, क्या ही तो बंदा है। रुको वेट भाई, बंदा अच्छा है, इसका नेटवर्क वीक हो रहा है कि मेरा हो रहा है, वो अच्छे से खेलना पड़ेगा। बंदा निकला M10 का, एक बॉडी दो बॉडी और बंदा फिनिश। इसी के साथ मैं बुई, एक और बंदा बचा यार अभी तो भाई, कसम से मेरे को लगा मैंने भुया कर लिया भाई, मैं बैठ भी गया था वहीं पर भाई साहब। छी यार, मेरे को लगा मैंने भुया कर लिया। 12 किल के साथ 76 का प्लस मिला और 100 की ग्लोरी मिल गई। तो फाइनली डे फर्स्ट तो मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, लेकिन जो प्रॉब्लम आने वाली थी वो आई, मतलब आईडी भी लेवल हो गई, और मैं जैसे वेपन गोली भी गया तो आप 99% दिखाने लगता है। चलो आप लोग को दिखाता हूँ, आप देखो, मतलब कि आप लोग को डे 2 में इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। फिलहाल मेरी 1000 ग्लोरी हो गई और मैं 19 नंबर पर फार्म हाउस में वेपन गोली में आ जाऊँगा अपने जिले के अंदर। मतलब कि डे 1 सक्सेसफुली मैंने कंप्लीट कर लिया, और इसका रिजल्ट आप लोग को डे 2 में दिखा दूंगा कि मेरे को बैच मिला है कि नहीं मिला। और बाकी बैच आपको पता है मंडे के दिन ही मिलते हैं, तो वो बैच तो आप लोग को हमको मंडे के लिए दिन मिलेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।